नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो के पेशेंट्स को ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो ऑलमोस्ट सभी विटिलिगो पेशेंट्स के मन में आता है। उन्हें लगता है अगर वो अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, तो उससे उनका विटिलिगो जल्दी ठीक होगा वाइल दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट। क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के अगर आप सोच रहे हैं आपके सफ़ेद दाग ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत है। आप ट्रीटमेंट के साथ अपनी डाइट में कुछ बदलाव करेंगे तो आपको आपकी जो रिकवरी है उसमें बहुत स्पीड देखने को मिल सकती है, आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सफेद दाग के पेशेंट हैं तो आपको ब्रेकफास्ट में चाय, कॉफी और दूध, इन तीनों चीजों को हटा देना है। दूध से बनी हुई चीजें भी आपको नहीं खानी है। आप अगर दूध पीना चाहते हैं तो टोंड मिल्क आप पी सकते हैं या काउ मिल्क आप पी सकते हैं। इससे ज्यादा आप दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाएंगे, जैसे पनीर हो गया, आइसक्रीम होगी, इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं खानी है। वहीं आपको खट्टे फल, कई लोगों का मन होता है सुबह सुबह फल खाने का, तो ऐसे में खट्टे फल नहीं खाने हैं आपको, क्योंकि अगर आप खट्टे फल खाते हैं तो इसकी वजह से आपका विटिलिगो और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको संतरा, आम, नींबू, इस तरीके के मौसमी जैसे फलों को बिल्कुल साइड हटा देना है, क्योंकि इनमें खटास होती है, ये आपके लिए अच्छे नहीं है, आपका विटिलिगो बढ़ सकता है। वहीं आपको कुछ सब्जियों को भी अपनी डाइट से हटाना होते हैं जो खट्टी होती हैं, जैसे कि टमाटर, और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स को भिंडी भी अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, और खासकर बैंगन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके सफ़ेद दाग बढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आपको दही या दही से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, वो भी खट्टी होती हैं। बेसिकली आपको खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो चलिए आप जानते हैं आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। आप इडली बनाकर खा सकते हैं, आप उपमा खा सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं, इवन आप पराठा भी खा सकते हैं। पराठे में आप स्टफ्ड कर सकते हैं, जैसे पालक पराठा बना सकते हैं, मेथी का पराठा बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी आपकी, पालक, मेथी, बथुआ, इन तीनों सब्जियों में आपको ऐसी मिनरल्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो आप इनके पराठे बना सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी डाइट में अखरोट और इसके साथ खजूर को भी मिला लेते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, साथ ही साथ इनमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो मॉर्निंग की जब शुरुआत आप ऐसे खाने से करेंगे जो आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सफ़ेद दाग में रिलीफ दिलाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे खाने खाते हैं, जैसे जंक फूड आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, मॉर्निंग में ही आप जंक फूड खाने लगते हैं, या कुछ बैड हैबिट्स होती हैं बैड पर ही खाने के लोगों की, तो ऐसी हरकतें अगर आप करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका सफ़ेद दाग बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को बदल देते हैं, आप अपने खाने में बदलाव कर देते हैं, तो आप मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाली चीज़ें खाने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और आपकी स्किन नॉर्मल कलर में होना शुरू कर देती है। वहीं आप जब उपमा बनाते हैं तो आप उसमें सब्जियां डालें, जैसे गाजर है, ये भी आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, प्याज है, मटर है, इस तरीके की सब्जियां डालकर आप अच्छे से उपमा को बनाएं। अब आपको ख्याल क्या रखना है, आप ज़्यादा मसाले ना डालें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाले डाल देते हैं। तो आप कोशिश करें थोड़ा सात्विक खाना खाएं, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और वहीं आप चीला बनाकर खा सकते हैं, बेसन का चीला, और आप काले चने भी खा सकते हैं। आप रात को भिगोकर काले चनों को रख दें और मॉर्निंग में आप काले चने खा सकते हैं, क्योंकि काले चने खाने से भी आपकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। जब आप अपनी ब्रेकफास्ट में इन चीज़ों को ऐड ऑन कर लेते हैं और जो चीज़ें मैंने आपको बोला है हटाने के लिए उनको हटा देते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आप इस चीज़ को एक महीने तक कर देखें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ट्रीटमेंट भी लेना होता है इस समय, तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को कस्टमाइज्ड मेडिसिंस दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करती हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि इस तरीके से हमें रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर हम पेशेंट के ट्रिगर पॉइंट्स पर काम करते हैं, जैसे सपोज अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से सफ़ेद दाग आने लगे हैं और आपके स्ट्रेस को ही रिलीज़ कर दिया जाता है, आपके स्ट्रेस में इम्प्रूवमेंट ला दी जाती है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाते हैं, और साथ के साथ आप मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद से
अपने विटिलिगो को ओवर हील करने लग जाते हैं, हील करने लग जाते हैं उसमें, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए देर बिल्कुल ना करें, अपना ट्रीटमेंट जल्द ही शुरू करवाएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।